दोस्तों ये सफ़र शुरू हो चुका है, काफ़ी आगे निकल गए हैं। तारा देवी स्टेशन भी निकल गया है। अब देखो जंगल के नज़ारे देखें, ऐसे ट्रेन चलती है। अब ये नीचे पहाड़ और रोड्स, ये ट्रेन जाती हुई उड़ती हुई, खूबसूरत व्यू है इसका। अब बस इसको एक बार बर्फबारी में और देखना है। ये पेड़ ऊंचे ऊंचे बड़े होते हुए, यही पेड़ अपने आप को वापस प्रोड्यूस करते रहते हैं, बीज गिरते रहते हैं, नए पेड़ बनते रहते हैं। इस प्रकार से एक अलग ही मज़ा है इसके अंदर। ये फिर गाड़ी मुड़ रही है, अब मुड़ रही है राइट साइड में, अभी कुछ ही देर में लेफ्ट साइड फिर मुड़ेगी, फिर दिखेगा इसका व्यू। दोस्तों इन्होंने बनाया है कुल मिलाकर के चिक चैक मोशन में इस पूरे सफ़र को। और अभी भाई साहब कुछ बता रहे थे, जरा अपन इनसे बात करते हैं। भैया वो घटना वापस बताना आप, जिसमें उसने अंग्रेज ने गोली मार ली थी, कैसे क्या हुआ था उस दिन? वैसे जैसे प्रोब में 33 नंबर सुरंग है ना, 33 नंबर, ठीक है, तो उस टाइम दोनों तरफ से खुदाई हो गई थी। हाँ, तो दोनों तरफ से खुदाई हुई, तो खुदाई करते हुए एक दूसरे क्रॉस हो गए, आपस में नहीं मिले। अच्छा, एक सिरे से खोदा दूसरे सिरे से खोदा, तो ये मिले नहीं। अच्छा, क्रॉस हो गए। हाँ, तो उसके बावजूद फिर उसने अपने आप को शर्मिंदा महसूस। अच्छा, तो वो कौन था आदमी? अंग्रेज आर्किटेक्ट था, मतलब कोई आर्किटेक्ट था, इंजीनियर। तो उसने कहा कि मैं बनाता हूँ, मतलब उसका ठेका लिया होगा उसने, इसका ठेका लिया था, और फिर उससे बनी नहीं, उसने अपना आप शूट कर दिया। तो फिर काम रुक गया होगा फिर? तो फिर काम बंद रहा, काफी समय तक बंद रहा। फिर अच्छा, चायल में थे रहने वाले, चायल में रहने वाले बाबा थे, ठीक है। तो उन्होंने एक डंडी के, एक डंडी होती उनके पास, डंडी होती थी, डंडी, ठीक है, डंडी के दौलते उन्होंने सर्वे किया, उसके अंदर की दोबारा से खुदाई की, उधर से भी इधर से भी, फिर वो छेद मिले दोनों, फिर उसका निर्माण उसने यहाँ शिमला तक पहुँचा गया। अच्छा, तो उस टनल की वजह से अपने को ये मौका मिला कि भाई आज अपन इस रेल सफर का मजा ले रहे हैं। वो सुरंग नहीं बनती तो नहीं, शायद ये शिमला तक का रोड नहीं पहुँचता। हाँ, मतलब टनल, ये रेल लाइन नहीं बनती है। कौन थे वो बाबा, क्या नाम उनका? उनका है बलखू, बाबा बलखू। बाबा बलखू चायल के रहने वाले थे। चायल अभी है, जिंदा है? नहीं, अब तो नहीं है। ये तो बहुत पुराना है, इसलिए स्टार्टिंग की बात है ये। वैसे अभी म्यूजियम में शिमला में लगी हुई उनकी फोटो, उनकी फोटो लगी हुई है। तो कितने साल हो गए होंगे इसको बने हुए? इसको कम से कम 250 से ऊपर हो गया है। अच्छा, 250 साल पुराना रेल नेटवर्क है ये। 250 का मतलब हो गया अभी चल रहा है सन 2022। वैसे 250 घटाएंगे तो 1700 से 1800 के बीच का ये डेवलपमेंट है। तो अंग्रेज उस समय आगे थे क्या? अंग्रेज आगे थे क्या 1700 के आसपास? हाँ, आगे 1700 1800 और फिर गए 1947 में। खूब लंबा 3-4 वीडियो का राज हो गया उनका है। काफ़ी लंबा राज रहा वास्तव। हाँ, 200 साल राज करके गए ऐसा बोलते हैं, हमेशा सुनते हैं अपन। चलो सर, आपका क्या शुभ नाम है? दिनेश राणा जी। दिनेश राणा जी से आज हमको जानकारी मिली इस सुरंग के बारे में, और वो कौन सी सुरंग है? 33 नंबर, 33 नंबर सुरंग है। अभी मैंने कुछ देर पहले देखा था तो 82 नंबर शायद सुरंग यहाँ से गई थी। तो भी बहुत सारी सुरंगें इस प्रकार से आना बाकी है। क्या आप बता सकते हैं टोटल कितनी सुरंगें हैं यहाँ पर? 103 है, तो डिसमेंटल हो गई है। अच्छा, वैसे काउंटिंग में 103 है। नहीं, 103 है तो दो डिसमेंटल हो, तो उस क्या हो गया उसमें? टूट गई थी वो। फिर क्या किया उनका? मतलब वो कम थी, वो छोटी थी, वो तोड़ दी थी, टूट गई थी। नहीं तो टूट गई तो अब क्या हुआ, मतलब अब उसमें से गाड़ी? हाँ, साफ कर दिया उसको। अच्छा, उसको अब सुरंग नहीं रहने दिया, ऊपर से साफ कर दिया उसको। तो चलिए ये भी ठीक है, 101 सुरंग रह गई है और दो सुरंगों को साफ कर दिया, यानी ऊपर से उनकी छत हटा दी गई है, जिससे कि अब वो सुरंग ना रह करके केवल एक ऐसे खड्डा मात्र रह गई है। चलिए इधर से देखते जाते हैं, ये कौन सा स्टेशन आया होगा? ये शोखी करके कोई स्टेशन आया है। ये मंदिर का नज़ारा, जय हो भोलेनाथ प्रभु। और सब लोगों ने अपना अपना कुछ खाना पीना इधर से ले लिया है। एक बड़ा कस्बे के रूप में मुझे नज़र आ रहा है शोखी। कारें दिख रही है, कुछ आम केले वगैरह नज़र आ रहे हैं, सब्जी की दुकानें, एक जनरल कस्बा जैसा होता है वैसा ये अब नज़र आ रहा है। यहाँ एक ट्रेन खड़ी है और इधर भी एक ट्रेन खड़ी है, यानी कि एक क्रॉसिंग है, यहाँ से लोग पास करेंगे। बड़ा मुड़ाव यानी कि एक कर्व के अंदर ये स्टेशन नज़र आता हुआ
मुझे लगता है ज़्यादा देर रुकेगी नहीं ये गाड़ी, क्योंकि कोई ये भाई साहब बता रहे थे अभी जो दिनेश जी मिले थे, कनेक्टिंग ट्रेन है, इसको भी समय पर पहुंचना रहेगा। और इस प्रकार से ये मिस्टर गार्ड खड़े हैं ताकि जल्दी से इसको सिग्नल दे सकें। और ये पूरा सफ़र इस प्रकार से होता हुआ, ये ट्रेन इधर तैयार खड़ी है जाने के लिए। मैं दिखा दूँ आपको पीछे से, ये बस अब चलने में ही है। जैसा आम नेटवर्क में होता है, रेल नेटवर्क में गाड़ी आना गाड़ी जाना और फिर उसके बाद सब वीडियोग्राफी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें जो भी आता है एक यादगार सफ़र बन जाता है। चलिए ये यहाँ तक का सफ़र शोगी स्टेशन का, अब बैठते हैं अपने स्थान पर।